अब हम आपको यूपी के शामली से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें एक अस्पताल की हैं जहां डॉक्टर्स को मोबाइल टॉर्च जलाकर वैक्सीन लगानी पड़ रही है। ना पंखा है ना लाइट है, ये कैसी वैक्सीनेशन ड्राइव है? कोई पसीना पोंछ रहा है तो कोई मोबाइल की रोशनी से फॉर्म भर रहा है। ये तस्वीरें यूपी के शामली की हैं। कोरोना ब्लॉक के सरकारी अस्पताल के अव्यवस्थाओं की ये तस्वीरें होश उड़ाने वाली हैं। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में वैक्सीन लगाई जा रही है। गर्मी से डॉक्टर और मरीज दोनों का हाल बेहाल है। कम से कम 15 मिनट पहले आए हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है जी, लाइट की बिल्कुल खत्म है। भले ही सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर में हर तरीके की सुविधाएं देने के आदेश दिए हों, लेकिन इस अस्पताल में मानो व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ डॉक्टर ही हैं। ना बिजली है ना सफाई, और इन्हीं हालातों में यहां कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। अस्पताल में अव्यवस्थाओं की तस्वीरें जब आला अधिकारियों को दिखाई गई तो उन्होंने महज 10 मिनट के लिए बिजली जाने की बात कहकर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। अधीक्षक समुदाय स्वास्थ्य कराना उस समय वहां मौजूद थे, 10 मिनट के लिए लाइट चली गई थी। फिलहाल ये आलम किसी एक अस्पताल का नहीं, ऐसे कई अस्पताल हैं जहां सुविधाओं के नाम पर सिर्फ कागजी बातें ही हैं। और बात करते हैं ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों की। इंदौर में ब्लैक फंगस के केस कम नहीं हो रहे हैं और ग्रीन फंगस का एक मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बाद इंदौर में अब ग्रीन फंगस का एक मरीज मिला है। देश में ग्रीन फंगस का यह पहला मामला सामने आया है। जांच में पुष्टि होने के बाद इंदौर के निजी अस्पताल से मरीज को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर मुंबई भेज दिया गया है। नाक कान गले के रोग जैसे कि नाक बंद होना, नाक से ब्लड आना या फिर सर दर्द होना, जबड़े का दर्द होना, सुन्नपन आना जबड़े में आपके चेहरे के ऊपर या फिर आपके छाती में दर्द होना, इस प्रकार की कुछ समस्याओं के साथ में ये मरीज सामने आ रहे हैं। दरअसल ये मरीज मणिकबाग इलाके में रहने वाला 34 साल का मरीज है जो कि कोरोना से संक्रमित हुआ था, जिसके फेफड़ों में 90% से संक्रमण हो चुका था। 2 महीने तक चले इलाज के बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन इलाज के 10 दिनों के बाद मरीज की हालत फिर बिगड़ने लगी, जिसके बाद इसे एयरलिफ्ट कर मुंबई भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मरीज के फेफड़ों की जांच में एक ग्रीन कलर का फंगस मिला है। रंग के आधार पर इसे ग्रीन फंगस नाम दिया गया है। वहीं ग्रीन फंगस पर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन भी काम नहीं करता। इससे पहले देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस से संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।